ढांचागत सुविधाओं के सतत हो रहे विकास के क्रम में योगी सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश को इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात देने जा रही है। यह सौगात है गोरखपुर अम्बेडकर नगर जिले के मध्य स्थित घाघरा नदी पर कमहरिया घाट सेतु पुल के रूप में। गुरुवार दोपहर बाद करीब 1.5 किलोमीटर की लंबाई में बने इस पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कमहरिया घाट पर पुल बन जाने से जहां अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों के लिए शानदार कनेक्टिविटी का नया विकल्प मिल गया है, वहीं इससे गोरक्ष नगरी और संगम नगरी प्रयागराज के बीच की दूरी करीब 80 किलोमीटर कम हो गई है। कमहरिया घाट के एक तरफ गोरखपुर और दूसरी तरफ अम्बेडकर नगर जनपद स्थित है। इस घाट पर पुल का निर्माण क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है। कारण पुल के अभाव में इन दोनों जिलों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर बढ़ जाती थी। योगी सरकार ने लोगों के लिए कभी स्वप्न सरीखे रहे इस सेतु को हकीकत में बदला है। कमहरिया घाट पर लंबे पुल का निर्माण होने से करीब 500 गांवों की 20 लाख आबादी को फायदा पहुंचा है। इस पुल से होकर आने जाने में कई स्थानों के लिए दूरी कम हो गई है। इससे लोगों के समय व ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण भी कम होगा। सबसे बड़ी सहूलियत आस्था की नगरी प्रयागराज जाने वाले लोगों को होगी। कमहरिया घाट पुल से होकर जाने में गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी अब सिर्फ 200 किलोमीटर होगी। अभी तक लोगों को 280 से 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी। घाघरा नदी के कमहरिया घाट, सिकरीगंज, बेलघाट, लोहरिया, शंकरपुर, बाघर पर पुल का निर्माण 193,97,20,000 रुपए की लागत से हुआ है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने 1,412.31 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण जून 2022 में पूर्ण करा दिया है।